आपको लगता है ईडी के डर से ही अजीत पवार बीजेपी के साथ चले गए सुप्रिया जी? ये मैंने कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन आप पूछ रहे तो आप ही जाने उसका सवाल का जवाब। आप बाकी यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, पर आप उस सब को जो आपके अंदर है सुप्रिया जी, आप दबाकर बचाकर रख रही हैं। क्या चुनाव के बाद के अपने संभावनाएं आपने खुले रखी हुई? नहीं, आप मेरे भाषण देखिए 15 साल में जो पार्लियामेंट में, मैं कभी की पर्सनल अटैक करती नहीं, क्योंकि मेरा आज मेरी राजनीति पर्सनल ही नहीं है। मैं देश की सेवा के लिए और अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए राजनीति में आई। पर जब आप कहते हैं कि विचारधारा बहुत अलग है आपकी और बीजेपी की, तो फिर ये 2-3 बार आपने बीजेपी के साथ जाने का फैसला क्यों किया? चर्चा और एक सशक्त लोकतंत्र में चर्चा करने में क्या दिक्कत है? चर्चा तो होनी भी चाहिए। किस तरह से वो करनी है, क्या करनी है, सोचने में क्या दिक्कत है? अगर पहले से भी अनेक कॉम्बिनेशन लोगों ने दिए, बहुत सारे आज पहले बीजेपी वाले कांग्रेस में आते थे, अब कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते, बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है इस देश में। आपको लगता है महाराष्ट्र इस बार तय करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी होगी? 3-4 राज्य है, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान के बारे में कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, यूपी के बारे में भी सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश जी बहुत अच्छा वहां कर रहे हैं। तो बहुत सारे राज्य ऐसे, कर्नाटका में तो शॉकिंग स्कैम हुआ है, मतलब इट वाज टू शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, बहुत दुख की बात हुई है जो कर्नाटका में हुआ। मतलब यूपी से भी आप सुन रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा? अभी देखिए, मैं तो महाराष्ट्र में बैठी हूँ, लेकिन आप जैसे बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं, चर्चा होती है, वो फील्ड पे है, मैं तो यूपी के फील्ड में। पर अगर बीजेपी कमजोर होती यूपी में तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाते? उनके फैमिली की जो सीट है, उनकी माँ वहाँ से लड़ती थी, और उनको अगर लगे कि मैं रायबरेली लड़ना चाहता हूँ, उसमें गलत क्या है? भाई आपने भी बारामती संभाला ना, अब मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप भी डटी रही ना, चाहे सामने कोई भी हो, राहुल गांधी क्यों अमेठी से रायबरेली चले गए? क्या उनका ये पार्टी का निर्णय होगा ना, और क्यों किया वो तो पार्टी बता सके। मतलब आप ये 4-5 स्टेट्स में कह रही हैं कि इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा? ऐसा और... लोग कह रहे हैं जो मीडिया इंटरव्यूज के लिए हमारे लिए आपके जैसे जो बाहर घूम के आए, ऐसे लोग कहते हैं। सरकार आ रही है वापस बीजेपी की या नहीं आ रही है, ये तो वक्त बताए, भारत की जनता तय करेगी। ओके सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले इतने सारे मुद्दों पर इतना खुलकर अपनी राय रखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।